हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोल। आजकल चंडीगढ़ में हिस्सेदारी को लेकर पंजाब व हरियाणा के बीच सियासत गरमाई हुई है। हिमाचल ने भी अपने हिस्से पर दावेदारी ठोक दी है। 1966 में पंजाब पुनर्गठन के समय चंडीगढ़ में भी हिमाचल की 7.19 हिस्सेदारी तय की थी। लंबी लड़ाई के बावजूद हिमाचल को अभी तक हिमाचल का हिस्सा नहीं मिल पाया है, लेकिन अब पंजाब व हरियाणा की लड़ाई में हिमाचल भी कूद पड़ा है। सबसे पहले पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने चंडीगढ़ सहित बीबीएमबी व शानन प्रोजेक्ट में हिमाचल की हिस्सेदारी की जोरदार मांग उठाई है। वहीं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी चंडीगढ़ में अपनी हिस्सेदारी की मांग को जायज ठहराया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा व पंजाब अपने हक की मांग उठाए, लेकिन हिमाचल का हक भी दे। मैं हिमाचल प्रदेश के 72 लाख पुरुष जनता के ध्यान में दो बड़े मुद्दे ला रहा हूं। एक, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में हमारा हिस्सा कितना बनता है, और दूसरा पंजाब री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत जो संपत्तियां और उसमें हमारा एरियाज बनते हैं उनके बारे में आज मैं कहना चाहता हूं। वैसे तो 1966 के बाद जो सारी कार्रवाई मैंने सुप्रीम कोर्ट की पढ़ी है और री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को स्टडी किया है, तो मुझे लगा है कि आज तक जितने भी राजनीतिक दल हुए हैं, चाहे उनके नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे अधिकारी हैं, उन्होंने इस विषय को गंभीरता से या तो समझा नहीं है या जानबूझ के हिमाचल के हितों से कुठाराघात किया गया है। ये तथ्यों के साथ मामला सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गया है। और नतीजा ये है कि जो हक हमें मिलना चाहिए था 100%, इन्होंने पहले घुटने टेक दिए, 7.19% मांगा, जबकि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की मुख्य धारा कहती है कि बंटवारे के बाद एज एंड व्हेन इट इज़, जो जो परिसंपत्तियां बंटवारे के बाद जिस जिस राज्य में होंगी वो राज्य उसके मालिक होंगे, तो उसके तहत से बीबीएमबी के अंदर चाहे भाखड़ा डैम हो चाहे पौंग डैम हो, ये हिमाचल के अंदर थे, इनमें 100% शेयर हमारा था, लेकिन इन्होंने घुटने टेके हैं। आज मैं घोषणा करता हूँ एचआरए की ओर से, हम इस एक्ट को सामने रख करके एज एंड व्हेन इट इज़ के हिसाब से बीबीएमबी में हम अपना 100% क्लेम करेंगे, बहुत जल्दी 7.19% नहीं। इसके साथ साथ मैं चाह रहा हूँ, जैसे स्पेशल सेशन पंजाब ला चुका है 5 तारीख को, कल हरियाणा ने बुलाया है, हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी आप भी स्पेशल सेशन इसी हफ्ता बुलाएं और सब राजनीतिक दल इसमें समर्थन करें, और सारे राजनीतिक दल अपनी दलवादी राजनीति से ऊपर उठ के अपने हितों के लिए लड़ें। इसके लिए मैं जल्दी ही इसी हफ्ता में डेट और प्रेस दूंगा, और मेरी सबसे प्रार्थना, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, आओ हम सब मिल करके हिमाचल के हितों के लिए लड़ें, जो कमी आज तक कराई गई हैं उनको ठीक करें, और जब चुनाव आएगा तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी चुनाव लड़ने की बात नहीं है, अभी राजनीतिक स्वार्थ नहीं, 72 लाख हिमाचलियों के हितों के लिए लड़ना होगा। इसके लिए मैं पहल कर रहा हूं, और सारे जागें और सारे आए उनका स्वागत होगा। अगर 14 तारीख तक ये बातें नहीं हुई तो 15 तारीख हिमाचल डे के दिन एचआरए की ओर से इन हकों के लिए हिमाचल की जनता के लिए हम संघर्ष शुरू करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, हमने इस मसले को हमेशा से उठाया है, पंजाब सरकार के समक्ष भी उठाया है, और हमने जो केंद्र की सरकार है वहाँ भी इस मसले को हमने बराबर उठाया है। तो मेरा ये मानना है कि हिमाचल का जो शेयर बनता है वो शेयर जो है हमें मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारा हक है। देखिए, हमारा हमें जो है आम खाने से मतलब है, हम गुठलियाँ क्यों गिनते रहें, हमें जो हमारा शेयर है वो मिलना चाहिए, चाहे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उन्हें इस मसले को उठाना चाहिए। और सरकार अगर इस मसले को उठाती है, और हम सरकार का जो है विपक्षी दल होने के नाते हम पूरा सरकार का सहयोग करेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो है वो हिस्सा 1966 में जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ और पंजाब हरियाणा अलग राज्य बने और हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ा भाग
जो पर्वतीय क्षेत्र थे वो हिमाचल को मिले, चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी के रूप में, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी के रूप में जो है वो आज जो है वो वहाँ पर है, और उसको जो है वो केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। उसका जो है वो जो एक्ट के मुताबिक तय हुआ था, उसके बाद आपसी जो है वो उनके विवाद रहे हैं, उसके कारण चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। उसमें हिमाचल प्रदेश का 7.19 जो परसेंट हिस्सा है वो उसमें मिलना चाहिए, ये तो सबकी मांग है। और हिमाचल प्रदेश ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दावा भी किया है, और मैं तो मांग करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिसाइड किया है वो पंजाब और हरियाणा की सरकारें हिमाचल प्रदेश को जो है वो उसका जो हिमाचल प्रदेश का वाजिब जो वहाँ का हिस्सा बनता है उसको जो है वो हमको दें। उसकी सुप्रीम कोर्ट से डिसीज़न है हुआ हुआ, तो पंजाब की जो वर्तमान सरकार है उनसे हम कहेंगे कि भी वो अपना जो है वो राजधानी मांगने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का जो हिस्सा है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है उसे भी दें, और हरियाणा को जो देना बनता है वो भी हमारे को दें। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।